हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी इस वक्त इस एनर्जी में है आपके पर्सन, और फिर हम देखेंगे उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। शुरू करते हैं गाइज, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँचे और रेजोनेट करे। प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में, सबकॉन्शियस माइंड में अभी इस वक्त। ओके, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाह, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हैरोफेंट टुगेदर, ब्यूटिफुल एनर्जी विथ सेलिब्रेशन। कितने लोगों का यूनियन हो गया है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेमरीज ऑफ लव की वाइब्स है विथ मैरिज कार्ड। ऐसी एनर्जी बहुत कम आती है जब रीडिंग की शुरुआत ही मैरिज और सेलिब्रेशन से हो। और बताएं, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कन्विंस कर लिया है, बहुत ज़्यादा फेवर में कर लिया है थर्ड पार्टी सिचुएशन को। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं अभी इस वक्त। इनकी जो वाइब्स है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी पॉजिटिव है, और इनको अंदर से ऐसी एक एनर्जी फील हो रही है जैसे कि इनकी शादी आपसे हो जाएगी या एक उम्मीद जग गई है। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर से बड़ा कोई है इनके घर में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर सेकंड नंबर पे है या थर्ड नंबर पे है, उसके पहले उनके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि भाई बड़े भाई की शादी जब तक नहीं होती तब तक आपकी नहीं हो सकती, या छोटे भाई की या बहन की शादी जब तक नहीं होगी तब तक बेटे की शादी नहीं होगी, कुछ इस तरह का होता है कई जगहों पर, तो इनके ऊपर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी बहन की शादी फिक्स हो गई है, या इनके ऊपर कोई बड़ा था तो उसकी शादी फिक्स हो गई है, जिसके कारण अब इनका रास्ता बिल्कुल खाली हो गया है। और इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। आज के दिन ये किसी पार्टी या सेलिब्रेशन में भी हो सकते हैं, मे बी किसी शादी में हों, किसी सेलिब्रेशन में हों, बहुत हैप्पी वाइब्स हैं, और अंदर से इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इनकी भी शादी होगी, इनका भी रिश्ता जो है वो आपके साथ जुड़ेगा। तो ये बहुत सपने देखने वाली वाइब्स है, और भगवान करे ये सपने जैसे होता है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप्स जो सच हो जाते, तो ये भी सच हो जाए, ऐसी वाइब्स है। और आपके पर्सन देखिए आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, इवन ये आपके लिए कोई गिफ्ट भी बाय कर रहे हैं। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई गिफ्ट बाय कर रहे हैं, आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपको कन्विंस कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई, क्यों आया है एंजल्स, मैरिज के दो दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज आपके साथ, और ये काफ़ी हैप्पी हैं, इन्हें पता है कि ये क्रिएट करेंगे रियलिटी में ये चीज़ें। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके और इनके बीच में अगर कोई फियर फैक्टर था, कोई डर था, कोई ऐसा सिचुएशन था जो कि इनको रोक रहा था बहुत समय से, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो गया है, ये भी एक गुड न्यूज़ है। अगर मिस कर रहे हैं तो क्या वापस आएंगे, बातचीत होगी, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप दोनों के बीच से जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो कन्विंस हो गए हैं काफ़ी हद तक। आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है, जो भी अदर सिचुएशंस थी डोमिनेटिंग एनर्जी में है, और आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका यूनियन होगा, यहाँ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की वाइब्स है।
आपके पर्सन अपने इमोशंस खुलकर आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे। यूनियन की वाइब्स आई है। यूनियन को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने देखिए अपने रथ पे सवार हो गए हैं और ये जितने भी हर्डल्स हैं आप दोनों के बीच में, उससे बाहर निकलने की वाइब्स है। ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आपके पर्सन बैलेंस में है, काफ़ी एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया है और काफ़ी हैप्पी एनर्जी में है आपके पर्सन। एक कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस, एम्प्रेस जो हैं ये मान गए हैं ऐसा लग रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको इमोशनली मना लिया आपके पर्सन ने। पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं और आपके पर्सन ने कन्विंस कर लिया है जो भी अदर सिचुएशन है, मे बी इनके मॉम डैड जो भी अब एल्डर पर्सन है इनकी लाइफ में, तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है विद कम्प्लीशन। इन्होंने जो निर्णय लिया है हो सकता है कि आपके पर्सन के फेवर में हो, उनके घर वाले सिचुएशन बैलेंस कर ली है आपके पर्सन ने, तो ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। भगवान करे सबसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट स्टिल मैं यही प्रे करूँगी कि सबसे रेजोनेट करे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है आपके तरफ, आपके पर्सन का किस तरीके का एक्शन आपको देखने मिलेगा कमिंग डेज में। वी हैव डबल फाइव विद बॉटम ऑफ द डेक इज हारमोनी। मेजर चेंज यहाँ पर नज़र आने वाला है आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में। आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे अगर ये डर रहे थे, छुप रहे थे। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की वाइब्स है। जो सिचुएशन में बहुत समय से इन्होंने उलझा कर रखा हुआ था आपको, उसमें क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ सफरिंग इन साइलेंस की वाइब्स है। इनको आपसे दूर होने में, इनको आपसे ब्रेकअप करके, आपसे सेपरेट होने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके बिना कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत सफ़र किया है आपसे डिस्टेंस में आने के बाद और अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे के साथ ही लाइफ लॉन्ग रहोगे। हारमोनियस यूनियन विद परमानेंट कमिटमेंट यहाँ पर एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, सूर्य की वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन कंफ्यूजन से बाहर निकलकर डिसीजन लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। फाइव नंबर यहाँ पर आया है, तो इस रीडिंग को देखने के बाद, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 50 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 5 आवर्स, 14 आवर्स, 23 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ इमीडिएट एक्शन में कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, या तो प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, बट स्टिल आपके लिए इनके मन में इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये कुछ अपनी तकलीफ आपसे शेयर कर सकते हैं या कर सकती हैं कि आखिर ये किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं पिछले कई दिनों से या महीनों से और आपसे छुपा रहे थे, जो अब आपके सामने आएगा। तो ये भी वाइब्स यहाँ पर है कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज, करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आपके या आपके पार्टनर के लिए ये एनर्जी आई है। कोई ना कोई है जो फियर में था और अब उसकी जो अंदरूनी जो ताकत है, जो विल पावर है, वो एक्टिवेट हुई है और वो कॉन्फिडेंटली, मतलब वो फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये एनर्जी है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, सब्र का फल यहाँ पर काफ़ी लोगों को मिलने वाला है, रिजल्ट टाइम चल रहा है। एंड वी हैव अबंडेंस, एक पॉजिटिव न्यूज़, एक गुड न्यूज़। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो आपके अंदर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फिज़िकल रियलिटी में आपके सामने आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हेल्थ। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, डिस्टर्बेंस हो किसी भी तरीके का, डजेंट मैटर, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। ये भी मैसेज आपके लिए आया है।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अगर आपको रेजोनेट हो आने वाले टाइम में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।